वेरी गुड ये चॉकलेट भी खाओ देखे चॉकलेट चॉकलेट मारुति
खाओ। 15 किलो आपको काका जी तीर्थ के झरने की जय हो, गंगा माता की जय हो, विष्णु ब्रह्मा महेश की जय हो, जय हो जय हो जय हो। दोस्तों आज हम आपको काका जी तीर्थ के झरने का आनंद लाते हैं। हाय 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 हाय, कितने प्यारे प्यारे झरने गिर रहे हैं दोस्तों। हाय हाय हाय, दूध जैसी चमक। हाय हाय हाय, देखा दोस्तों आज हम आपको काका जी तीर्थ के दर्शन करते हैं। अगर हमने दर्शन किए हैं तो जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से, फेसबुक पेज से, यूट्यूब चैनल जीतू डीजे श्यामगढ़, फेसबुक पेज जीतू डीजे श्यामगढ़ से, जीतमल राठौर नाम से मेरा फेसबुक है, मैं उसमें धार्मिक प्रोग्राम डालता रहता हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे को जिंदे थे जब एक बात कही थी कि बेटा एक काम जिंदगी में हमेशा करना। मैंने क्या कि किसी का खोटा मत करना, जितना अच्छा हो भलाई की पूंजी कमाना, भलाई की खेती करना। तो उन्होंने ये बात बताई थी दोस्तों। तो आज मैं कुछ भी काम होता दोस्तों तो मैं धार्मिक प्रोग्राम बना। मेरे पिताजी ने कविता लिखते थे वो, तो उन्होंने भी अच्छा संस्कार दे रखे दोस्तों। आज काका जी तीर्थ स्थान पे आपको मैं आपको बहता हुआ पानी दिखा रहा हूँ। हाय हाय, अरे मुकेश ये कुंड देखो बेना, कुंड ये यहाँ आ जा, कुंड में आ जा। ये कहते हैं कि ये गौमुखी कुंड है। हाँ, ये गौमुखी कुंड है कि यहाँ पे पानी पीने से कई बीमारियाँ दूर होती है। हाय 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 हाय, ये गौमुखी कुंड है। हाँ ये गौमुखी कुंड काका जी तीर्थ का देख ले है। यहाँ पर ले हाथ मुंडा धो ला यहाँ, अरे हाथ मुंडा धो ला। हाय हाय, ये देखा दोस्तों भोलेनाथ का मंदिर। ओ हाय 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 हाय, वारे भोलेनाथ जय हो, भोलेनाथ की जय हो। हाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम शिव पार्वती माताय नमः। हे भोलेनाथ हमारी जिंदगी में खुशियाँ लाएं और खुशियाँ ला के हम खुशियाँ बांटे हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं गौमुखी कुंड। ये देखो ये गौमुखी कुंड, आहा, ये काका जी तीर्थ का गौमुखी कुंड। आहा ओहो, भोलेनाथ की जय हो। कहते हैं कि यहाँ का पानी पीने से कई बीमारियों का रोग दूर होते हैं। तो मैं तो सोचता कि सबसे बड़ी बीमारी का रोग का दूर का कारण बगाना हो तो शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी अगर जिसके नहीं है तो 50 बीमारी इसके बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। जिसको शुगर की बीमारी है तो 50 बीमारियों को मुसीबत में लेके आ जाएगी। तो मैं ये पानी पीता हूँ ताकि कभी 5-10 साल में कभी शुगर की बीमारी उत्पन्न होने वाली भी हो ना तो वो रुक जाए। पहले तो सर्विसिंग करा लूँ शरीर की। बढ़िया है, ये गौमुखी है। ये गौमुखी बताते हैं गौमुखी का पानी ना बहुत किस्मत वाले को मिलता है। काका जी तीर्थ बानपुरा के पास में आप कभी आओ, अपना कीमती समय भी निकालो। लोग बीमार पड़ जाते हैं अस्पताल में, 5-5 हज़ार में, 10-10 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख बीमारी में लगाने के बाद कहते हैं कि मैं ठीक हो गया हूँ, अभी आराम में। आराम में क्या, तुझे पैसे लगा के आराम में मिला। तो इसके पहले अच्छा काम करते रहो ना, दान पुण्य करते रहो, सेवा करते रहो,
जिंदगी में अच्छा जीना है दोस्तों, कभी किसी का विरोध मत करो, बस विरोध करोगे तो नरक में जाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो भगवान दया करेगा, तो पानी पीने को मिल रहा है ये कम बात है, मैंने कोई अच्छे पुण्य किए होंगे दोस्तों तो आज गौमुखी का पानी पीने को मिल रहा है। ये गौमुखी कुंड बोलते हैं इसको, ये इस क्षेत्र में ऐसा एक भी कुंड नहीं है जो धनवंतरी भगवान शुक्लेश्वर महादेव भोलेनाथ और ये बजरंगबली इनका मंदिर यहाँ पे है बानपुरा के पास में। आप चाहो तो ये गांधी सागर चंबल से उधर से आओ, चाहे तो आप इधर से बानपुरा के उधर आओ, ये भोलेनाथ बैठे हुए हैं। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ। आनंद आ गया ना, आनंद आ रहा है। दूसरों को खुशियाँ देते रहो, भगवान अपने को खुशियाँ देगा। दूसरे को आज दुख दोगे तो कल अपने आप दुख आता जाएगा। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल उगेगा दोस्तों। ये मनुष्य जीवन है कर्मों की खेती करना। भगवान ने प्रत्येक को 5-5 बीघा खेत की जमीन दे रखी है, चाहे नर हो या नारी हो, चाहे पुजारी हो चाहे भिखारी हो, उसको 5-5 बीघा जमीन दे रखी है। जो अच्छा बोएगा तो अच्छा पाएगा, खराब बोएगा तो खराब पाएगा, फूल बोएगा तो फूल पाएगा, कांटे बोएगा तो कांटे पाएगा। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे दोस्तों। अच्छी सोच रखो, अच्छा मिलेगा। बस मैं इस मंदिर के पास में आए दोस्तों और इसका आनंद लीजिए। आप देखा कितने प्यारे प्यारे झरने गिर रहे हैं। क्या दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना, और पसंद नहीं आए तो रेवा देना। क्यों? क्योंकि आप भी खुश मैं भी खुश। हाँ, देखो इनको गदड़िया सूझ रही, गदड़िया सूझ रही बंदरों को। आए ए, अपन तो सोचे कि आदमी मजाक मस्ती करा करे, देखा कितना आनंद आ रहा है इनका। इसे कहते हैं प्रेम। हाँ, खाओ खाओ गुलाटी का, प्यार करो। ये कितना प्रेम कर रहे हैं। ये देखा दो भाई है, इसे कहते हैं प्रेम। तक्षेश्वर ताकाजी महाराज की जय, भोलेनाथ की जय।